पापा काम करते थे तो हम भी सीख गए काम टायर बनाना। उसके बाद में शादी हुई, शादी ससुराल गए, तीन लड़कियों हुई, पति भी मर गया, एक लड़की डिलीवरी में ही थी। कम से कम 25-30 साल हो गए काम करते करते, टायर बनाती हूँ, ग्रीस करती हूँ, गाड़ी सर्विस सेंटर भी नया खोला अभी, ये भी करती हूँ, गाड़ी भी धोती हूँ। पति मरने के बाद में बच्चे छोटे छोटे थे, एक 3 साल की बड़ी लड़की, 4 साल 5 साल की बड़ी बड़ी लड़की थी, 3 साल की छोटी वाली लड़की, एक लड़की की डिलीवरी में थी। पति मर गया साल भर पहले, पापा मरे साल भर बाद, पति मर गया, भाई बहन भी छोटे छोटे थे, कोई 6 साल का 8 साल का ऐसे भाई बहन थे छोटे छोटे। उसके बाद में सारे को पढ़ाया लिखाया, टायर बनाती रही, करती रही, टायर बनाती रही, बीमार भी हुए, बहुत दुख तकलीफ देखा मैंने तो। सिंगल रोड थे, एक ही दुकान थी इस चौपाटी पे, कोई मार्केट ही नहीं था। रात में भी उठ के पानी इतना जितना पड़ता जितना हमारे ऊपर पड़ता, रात में भी बनाते दिन में भी बनाते, जिस टाइम पे काम आ जाता उस टाइम पे हजार रोज के काम करने लग जाते, पेंट शर्ट पहन के काम करने लग गए। मम्मी के साथ रही, मम्मी के वहाँ झगड़ा हुआ, फिर भाई बहनों से अलग हुई, तो यहाँ रात में झोपड़ी डाली तो ऐसी थी मेरी स्थिति कि मैं पोया खा खा के मैंने दिन निकाले। मैं 3 ही बच्चों को लेके निकली थी घर से, कुछ लेके नहीं निकली, काम बस मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटी। इतनी स्थिति से गुजरी मैं तो कि हद से ज़्यादा। एक पल्ली ली गाड़ी वाले से, झोंपड़ी बनाई, उस झोंपड़ी में यहाँ रहने लग गए। इतने लोग आसपास के जलते हैं कि अरे यार ये औरत कैसे कमाती है, ग्रीस भी कर लेती, टायर भी बना लेती, गाड़ी भी धो लेती, जो काम आता वही कर लेती, ये औरत हो कि ऐसे अपने को काम नहीं आता, इसको क्यों आता है। आसपास वाले को तो सबको जलन ही होगा ना, एक औरत कमाती है तो कमाने नहीं देते लोग, उसको गिराने की सोचते कि आगे कैसे बढ़ जाए। मतलब वो जो नहीं सोचते कि महिला की हेल्प अपन करें, महिला की हेल्प नहीं करते वो, कि महिला बढ़ रही है अपने मंदसौर में, कि आज बाईपास पे टायर बना रही है, कि अपने सामने ऐसा कठिन का काम कर रही है, हाँ हाँ कोई साथ देने के लिए खड़े नहीं होते, उसको गिराने के लिए खड़े जरूर हो जाते। बहुत दिक्कत आती सर, अब तो क्या रीढ़ की हड्डी बदल होते हैं, जो दर्द होता है ना तो भी दिक्कत आता, पर तो भी काम करती हूँ मैं 24 घंटा, किसी भी टाइम पे नींद आ जाती सो जाती फिर काम उठ के काम करती हूँ। 80% अच्छे आ गए तो 20% खराब आएंगे, उनकी भाषा में पहले से देख के बोलना पड़ेगा कि क्या है, बढ़ ले, गाली मार भी करना पड़ेगा उनके साथ भगाने के लिए। जैसे टायर बनाएंगे 100 रुपये लेंगे, अगर 10 टायर भी आ गए तो 1000 रुपये, तो 1000 रुपये तो आदमी खा ही नहीं सकता है ना।